लीजिएगा, केतवन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव समझ आता है ना, यानी क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैक्सिमम, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई को क्या होने के लिए, मैक्सिमम, कॉस डेल्टा शुड बी व्हाट, शुड बी मैक्सिमम, और कॉस का सुन लेते हैं, और कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, प्लस वन। जितने लोग का मैथ है उनके लिए बहुत आसान सी बात है कि किस किस वैल्यू पे प्लस वन होता है, फिर भी किसी को नहीं पता है तो वो जान ले, फोर पाई सिक्स पाई एंड सो ऑन, यानी कि ये फेज एंगल कितना किसके फॉर्म में होना चाहिए, टू एंड पाई, ऑब्जेक्टिव याद रखे। अच्छा आपको याद है कि डेल इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है, जहां के का वैल्यू होता है टू पाई बाई लैम्डा, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल बाई के, और डेल का वैल्यू है टू एन पाई, और के का वैल्यू अभी अभी आप बताए कितना, टू पाई बाय लैम्डा, पाई पाई गया टू टू गया, तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस कितना आया, एन लैम्डा, देख लो, और इन दोनों के लिए एन का वैल्यू है जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। मतलब ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, दो वेव मिलके ये चीज आपको ट्वेल्थ तक सेम रिजल्ट रहेगा, ट्वेल्थ तक पूरा अंतिम क्लास तक, ट्वेल्थ में वेव लास्ट में ही है, ये रिजल्ट आप ना भूलें कि दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए और पाथ डिफरेंस इस फॉर्म में, तभी दोनों मिलकर कैसा इंटरफेरेंस देंगे, कंस्ट्रक्टिव, यानी कैसा इंटेंसिटी देंगे, मैक्सिमम। देयरफॉर आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा बताओ, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा के जगह पर कितना वन लिखेंगे, प्लस वन, तो प्लस वन तो यही रह गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, चेक करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, आई मैक्स का फॉर्मूला रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। और अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि दोनों सेम हो जाए, आई वन आई टू सेम है, वैल्यू कितना लिख दिए, आई वन, समझ गया, लाइट आ गया, इसी चल चुका है, वहां से ऑफ करेंगे अभी, काम हो जाएगा, अब गर्मी नहीं लगेगा किसको, ओके हम कई लोग डर गए, एसी बंद करने बोले कौन, आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट टू रूट आई नॉट स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर आई नॉट। ये अलग से केस हो गया कि अगर ये दोनों इंटेंसिटी सेम होगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, फोर आई नॉट, अदरवाइज फॉर्मूला क्या हो गया, आई मैक्स का रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आया, स्क्रीन ग्लर आ रहा है, नहीं समझ में आया, प्लीज रिपीट, एक मिनट में कर देते हैं, अल्लाह मत करना म्यूट के, तुम भी उधर बैठा है, तुमको उधर नहीं बैठना है, हम क्या कह रहे हैं, आज के बाद तुमको उधर नहीं बैठा, तुम इधर बैठोगे कंफर्म, नहीं खाली तुम आ रहा हो, ले लो, ले जाएगा, उन लोगों को पढ़ना है, तुम अपना देख लो, नहीं तुम कौन भाग, अगर वहां नहीं बैठोगे तो नहीं आना, चलो अभी चलो बीच में जा, मूव करो तुम, मूव कर दो, मूव कर, क्या कर रहा, तो जो लोग ये नहीं समझे हैं उनके लिए दोबारे कंस्ट्रक्टिव ध्यान देना, आकृति तुम्हारे लिए भी, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, कैसा इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू में सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं आप, एंगल, अगर आई का वैल्यू सबसे ज्यादा होना है तो उसके लिए किसका वैल्यू सबसे ज्यादा कीजिएगा, ताकि ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज्यादा होगा, आई वन आई टू नहीं बदल सकता, कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, अब कितना डिग्री का वैल्यू प्लस वन होता है, कॉस जीरो, कॉस जीरो, और कॉस टू पाई का भी होता है, कॉस फोर पाई का भी होता है, मतलब एंगल इस फॉर्म में होना चाहिए, एन मतलब एन का वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो, वन डालेंगे तो टू पाई, टू डालेंगे तो फोर पाई, ये कौन सा डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, कौन डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और अगर फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये हम दो क्लास पहले बताए थे, डेल इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, k
के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 पाई लैम्डा ऊपर गया, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा एल लैम्डा, ये ध्यान आया आप। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला में कॉस डेल्टा का क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिए, तो ये ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कर लो। और ये तो स्पेशल केस बताए हैं कि अगर दोनों इंटेंसिटी सेम होता और एक ही नाम आई नॉट होता तो फाइनल मैक्सिमम क्या लिखते, 4i0। ऐसा हो सकता है कि दोनों धारा का हाइट सेम ही हो, ठीक है। हाँ आज से तुमने भी पूछा था, देख लो डाउट तो बोलो। हाँ गौरव लिखो लिखो, फोटो भेज दिए उसके बाद आएंगे, अभी बोले नहीं सुना। अगर एंगल वाला ध्यान है तुमको, ये सुने हो ये सब, बायो है या मैथ्स है, बायो या मैथ्स है, मैथ्स ये जानते हो तुम नहीं, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, छोटा बहुत है इसे घबराना नहीं, सब अच्छा से होगा। अरे गौरव बहुत सारा तुम भेज दिया हमको, मेरा फोटो में बीच बीच में चमक रहा है, ओके तो किनारे किनारे लिखो, हम जा के भैया बैठे क्या हो गया, बोलती काहे वाली ऐसा काहे का, तू बोले बोलिए, तुम जरूर पर कॉपी से मार रहा होगा जान उसको, तू ठीक से रहो कॉपी अपना बनाई तुम देना, तो बोल रहा है आपको बताना कल कुछ पीट के रेस पीटेंगे हमसे, मैं देखने जा रहा हूं गर्मी लग रहा है। हो जाएगा, ये साल है तो सब कुछ चेंज कर दे, ट्रिपल कमाएगा लगाएगा, पैसा बहुत है ना, पार्टी बर्बाद नहीं कर सकते, सब लोग चंदा करें, हम लोग एसी एक एसी से काम नहीं चला, 2 टन का 3 टन का एसी डालेंगे, अभी अभी लाइट आया है, अभी बेचारा चलना शुरू किया है, 10 मिनट लाइट आया हुआ है, 1600 बढ़ा के 22 कर दे, नहीं 16 मिनिमम होता है, लेकिन बेचैनी देखो लोगों का। चलिए ध्यान से, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव हो गया मैक्सिमा, आज तो नहीं दिख रहा, यहाँ आएगा बड़ो के पास, अच्छा 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 बात करने आए हो, इतना ईमानदारी से बता भी रहे हो। केस नंबर दूसरा, केस नंबर टू, इस बार कंस्ट्रक्टिव के जगह हमने लिखा कौन सा इंटरफेरेंस, डीईएस डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमा नहीं, क्या होगा मतलब मिनिमा, फॉर बड़ी माँ छोटी माँ, लो ये मत आप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ बता दे जो पढ़ना है, आप सीखिए। केस नंबर टू फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मिनिमा, फॉर आई टू बी मिनिमम, आई को क्या होने के लिए मिनिमम, किसको मिनिमम होना होगा, कॉस डेल्टा शुड बी मिनिमम, और कॉस का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -1। आप सब जानते हैं कि किस किस एंगल पे वैल्यू -1 होता है, पाई कॉस 180 -1, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, अगला बता पाओगे, एकदम गजब। तो ये क्या फॉर्म लिखे ताकि एन का वैल्यू आपका 0, 1, 2, 3 इस तरह सेट हो जाए, क्या लिखे, हाँ ये भी सही है, -1 में इधर गया +1 कर देंगे, सही है 2n+1π, वो भी सही है, माइनस वन प्लस में एन का जगह 0 डालेंगे तो पाई, 1 डालेंगे तो 3π, 2 डालेंगे तो ये हुआ। तो पहला कंडीशन समझ में आया, हल्का हल्का समझ में आया, कहाँ दिक्कत हो गया, ये इसी एंगल पे माइनस वन होता है, ठीक है, हम पहले बोल चुके हैं वैसे सनी की ये समझ में नहीं आया, फिर भी समझ आ रहा है, गुड, इसीलिए मेरी और कोई गलती नहीं है, पहले ही माफी मांग चुके हैं क्लास से पहले। सेंस
डेल इज इक्वल टू क्या होता है के डेल्टा एक्स, डेल यहाँ कितना है 2n+1π और k का वैल्यू होता है 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स। तो बताओ सबसे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π डिवाइड में जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा n+1/2 इनटू लैम्डा। ये दो वैल्यू ना भूले, चाहे अपना नाम भूल जाए लेकिन ये ना भूले आप। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या शर्त होना चाहिए, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। और पार्ट मेरे लगन में सवाल आया था, हम गलत बनाए थे, हाँ हमको अच्छे से याद है कि हम गलत किए थे। हमको लगन में 32 आया था 70 में और उसी में टॉप भी कर गए थे कॉलेज में, हाँ। अब दूसरे में हम फेल भी किए थे फिजिक्स में, 5 नंबर आया था हमको। मेरे इलेवेंथ में हम फिजिक्स में सेकेंड टर्म में फेल हुए तो 5 नंबर आया था फिजिक्स में, क्योंकि हम लोग कॉलेज जाना बंद कर दिए थे। और ये हम सबको बताते हैं, देखो कॉलेज जाना तो हम पहले ही बंद कर दिए थे, फिजिक्स का हम 2-3 जगह ट्यूशन पकड़े थे, हमको जो जो टीचर पसंद है हम सब जगह ट्यूशन जाते थे, 2 जगह पकड़े थे ट्यूशन हम, एक्चुअली पीयूष कांत और एक डीएन प्रसाद, दोनों जगह एक अच्छी बुक बनवाते थे और एक थोड़ा सा अलग बुक बनवाते थे। तो हम लोग साल भर काली न्यूमेरिकल और कॉलेज बस एग्जाम के दिन जाते थे। कुछ अच्छे दोस्त थे जो प्रॉक्सी वर्ड होता है, आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते हैं, कॉलेज में हो सकता है, क्योंकि 600 बच्चे एक साथ में बैठते थे, लेकिन बाद में बैठ के 400-400 का ग्रुप बना, 400-200 मतलब कोई भी आपके बदले ये सर बोल दिया तो काम चल गया। और कॉलेज में हम लोग का क्लास चलता था तो हमारा क्लास 6 प्रोफेसर लेते थे, संडे को छोड़ के बाकी सब दिन अलग अलग टॉपिक शुरू हुआ था। जैसे कि कोई एक एसएचएम पढ़ाया तो पूरा 2 साल में एसएचएम में पढ़ाएगा, पूरा दो वेट को पकड़ा वेट पूरा, सो वेट पूरा 2 साल पढ़ाएगा, 11-12 दोनों एक साथ था, क्योंकि उसको वीक में एक ही दिन क्लास मिलता था ना, प्रोफेसर थे 6 प्रोफेसर 6 टॉपिक पाक लिए थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लिया था, कोई कुछ, अब एग्जाम होता था तो 6 टॉपिक से आता था। हम लोग ट्यूशन के भरोसे थे, अपने हिसाब से पढ़ते थे, न्यूमेरिकल कॉलेज छोड़ दिए थे, तो हम पूछे कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कॉलेज तो कभी जाते नहीं थे, सीधे एग्जाम दिन गए, दोस्त बताया 1 से 6 तक आ रहा था, 6 से 12 एग्जाम्पल के तौर पर, एक ही चैप्टर कॉमन था 6, वही हम बना के आए थे, क्योंकि ट्यूशन में तो लेसन नंबर 3 चल रहा था, हम लोग का ट्यूशन उस साथ चलता है। तो टीचर 500 में देख पाया, कौन बोला एक हॉल में 500 बैठता था, 600 500 तो कभी बोल रहे, कहां से ये सर आया पता चलेगा। हमारे प्रोफेसर एक थी बहुत अच्छी महिला प्रोफेसर, वो क्या करती थी, मैथ की थी, वेक्टर पढ़ाती थी, वो आके ऐसे मुड़ जाती थी, जो लिखना शुरू करती थी कोई आ रहा जा रहा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कॉलेज के बच्चे तो बदमाश होते भी है ना। ध्यान दीजिएगा ये आप लिख लिए हैं, बताइए मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, कब नहीं आई मिनिमम कितना होगा मिनिमम, तो इस बार कॉस डेल्टा के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, खुद से बताओ तो आंसर क्या आएगा, I1 + I2 + ± क्या हो जाएगा, क्यों माइनस हो गया समझ में आया, तो कॉस डेल्टा माइनस था, तो आंसर क्या हो जाएगा, √I1 √I2 का, तो ये मिनिमम का हो गया। तो इतना लंबा जो आज क्लास में आप 2 टॉपिक सीखे, इसमें बस यही जरूरी था कि आपको ये पढ़ना, मेरे एग्जाम में ये आया था, मेरे से पूछा था पाथ डिफरेंस और हम आंसर, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स आया था उस समय, हम ये लिख के आए थे। तो एग्जाम में गौर कीजिए कि पाथ डिफरेंस पूछा है कि पाथ पूछे तो फेज मत लिख दीजिए, फेज पूछे तो पाथ मत लिख दीजिए, ऐसा हमको लगता है गलती होता है क्योंकि मेरे से हुआ था। तुम लोग सिलेबस करते हो, हम जो 12th बोर्ड दिए थे कैसे दिए थे पता है, 12th बोर्ड मेरा फिजिक्स 200 नंबर का था, मैथ 200 का था, केमिस्ट्री 200 का था, और क्योंकि 11th 12th एक साथ होता था बोर्ड एग्जाम, और 2 पेपर होता था, 2006 के बाद बदला है ना, 2006-07 के बाद बदला है, मैं इस साल के जस्ट अगला तक बदल गया, मतलब हम उस पीढ़ी के अंतिम प्रोडक्ट है। और वो भी कैसे, तो 3 घंटे का पेपर 1 यानी पूरा 11th होता था, और 1 घंटे का लंच बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड, और फिर 3 घंटे का होता था, दो दो पेपर एक ही दिन लेता था नालायक सर,
स्टेट बोर्ड जो टॉप किया था ना झारखंड स्टेट में, उसको 79% आया था। कैसे हम लोग कम्पीट करते बाकी स्टेट से सोच लो, यहाँ स्टेट बोर्ड जो भी देते थे 79% में स्टेट टॉपर था। सोचो मेरा सुनोगे तो तुम लोग हंसते हंसते यहाँ तक कूद जाओगे। 74.2% वाह 74। जिसको हम साल भर पढ़ाते थे, जो बच्चा को जो कहते थे पास होता था सीबीएसई बोर्ड का, चूंकि मेरा जो भी हम जहाँ ट्यूशन जाते थे वहाँ पे जैक के हम अकेले ही रहते थे, एक दो लोग वैसे ही ऐसे ट्यूशन ही पढ़ रहे थे। तो जिस सबको हम पढ़ाते थे उस सबका परसेंटेज आया 86, सीबीएसई था 89, लड़के कुछ नहीं आता था उस सबको, हमको 74। कोई मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा क्या था, ऐसे देखने में तो ही समझेगा ना। क्या देखिए ध्यान से कितना मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ है जी, हो जाएगा इंटेंसिटी मिनिमम। अगर 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 आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट हो जाए तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आ गया? अच्छा ये बताइए कुछ भी समझ में आया आज का टॉपिक ये वाला? नहीं भी समझ में आया तो हल्का हल्का धंसा होगा। चलिए तो अभी हम आपका भ्रम दूर करते हैं। चलिए हम देखते हैं आपका मैथ्स कैसा है, ठीक है? आपके मैथ्स का एक छोटा सा टेस्ट है, बायो वाले आपके लिए भी वही टेस्ट है, क्योंकि आपको भी इतना मैथ्स पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा स्टैंडिंग वेव, STANDING, स्टैंडिंग वेव। नया पेज में जाओ, अक्षरा क्या कंजूसी करती हो, कब तक ऐसे चलेगा? STANDING, स्टैंडिंग वेव। इतना तो बचा हुआ उस पर लिख रही है, ठीक है? नया पेज न्यू जनरेशन कैसा कंजूस हो गया है जी? हम तो पहले से थे। पार्टी कब चाहिए बोलो? अभी तो पहले बोलता, अगला क्लास पार्टी नहीं हुआ तो उसके अगला क्लास जरूर होगा। अगला क्लास क्या खाएगा बोल दो? आइसक्रीम, डन। देखो पार्टी जो होता है ना वो सस्ता ही होता है, महंगा तो डिनर हो जाएगा। छोटा कोचिंग आज ही बताया कि हम छोटे टीचर है, वो ऐसा बेचती तो हम भूलना चाहते हैं और तुम्हें याद करवाते हैं। बैठ जाएगा देश ऑफलाइन मोड में आप लोग आ सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। हम यहाँ पे सैनिटाइजर रखे हैं, जिसको एडवांस किया आते वक्त सब लोग ऐसे 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 कर लेगा। नॉर्मल है ऐसे ना नहीं है। स्टैंडिंग वेव जब दो वेव, अगर दो वेव दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो, अगर वो दो अलग साइड से आ रहे हो ऐसे, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो, तो असल में वो एक जगह पे जहां मिलेंगे वहां पे फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे वो ऊपर नीचे ऐसे से होने लगेंगे। उस समय जो वेव क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा? इसका दूसरा नाम भी है स्टेशनरी वेव। कौन सा वेव? स्टेशनरी वेव। रुका हुआ वेव। अच्छा अभी जो आप वेव देख रहे थे ये सारा वेव ट्रैवलिंग वेव था। ट्रैवलिंग समझ में आता है ना, ये ट्रैवल करते हुए आते हैं। अगर आप देख रहे हैं कौन सा वेव, स्टेशनरी वेव, ऐसा कौन सा नाम है? स्टैंडिंग वेव। इसके बाद आपको गिटार बजवाएंगे हम, गिटार सितार जितने भी वाद्य यंत्र है सब आप बजाओगे भी। हाँ गिटार नहीं बजाओगे इसी टॉपिक में, तो स्टैंडिंग वेव सीखोगे आप, नोट्स सीखोगे, फिर क्या सीखोगे? एंटी नोट्स। तो ये सब चीज जानना चाहिए, अदरवाइज सिलेबस में हटा दिया है हार्मोनिक,
ये नहीं हटाया, हार्मोनिक वर्ड हटा दिया है। सुन लीजिए डेफिनेशन, जब दो वेव दो अलग डायरेक्शन से आके मिलते हैं, दोनों क्या सेम होना चाहिए? एम्पलीट्यूड क्या सेम होना चाहिए? तो उस समय कौन सा वेव क्रिएट होता है? स्टैंडिंग वेव। देखिए मान लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर, लेट इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर, कोशिश कीजिएगा कि आपका मैथ कैसा है आपको समझ में आ जाए, आपको तो पता ही है। y1 is equal to a sin kx minus omega t equation number one, और दूसरा वेव है y2 is equal to a amplitude same sin, डायरेक्शन बदल दिए है kx plus omega t, दिख रहा है आपको डायरेक्शन क्या थी मिलने के बाद? सर उसके अगर फाइनल वेव बनता है ना, जिसका अभी इक्वेशन लिख के दिखाए थे, कंडीशन सब बताए थे, इस बार भी दो अलग अलग वेव है, एक में माइनस, बीच में माइनस है मतलब ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है, बीच में प्लस है तो ये क्या जा रहा है? नेगेटिव एक्स। जब दो वेव मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सुपरपोजिशन। क्या है भाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई वन प्लस ए, तो ठीक है दोनों का एक कॉमन, साइन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। आप देखो यहाँ ध्यान से, बहुत ही आराम से आपको समझ में आना चाहिए। क्या आपने ये फॉर्मूला सुना है, साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू बहुत अच्छा भाई, अच्छा भाई मानना पड़ेगा। बायो वाले जिनका बायो है वो ये फॉर्मूला याद करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो चमक रहा है यहाँ पे, लेकिन यह एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम घेर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। और अब इसी वैल्यू के हिसाब से गौर करो, ये वाला को हम सी कह रहे हैं और ये वाले को हम क्या कह रहे हैं? डी कह रहे हैं। तो चलिए मेरा मदद करें, या इसको आप सी कह दो इसको डी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसी को सी कह दो इसको क्या कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप आगे पीछे आना चाहते हो। अब चलो तो सोल्व करो, वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखना ध्यान से, ए तो ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है? टू टू साइन सी प्लस डी के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के। अरे वो तो अलग से, तू कहीं भी लिख दो, अच्छा है वैल्यू है तो बाहर लिख दिए, तू कहीं भी रहे, तू नहीं कटेगा इसे, ये टू से ये टू तो काट नहीं सकते हैं, एंगल का ये तो इनटू हुआ ना। अरे कहीं भी बात की है, ए इनटू टू थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, तो टू लिख दिए और कुछ नहीं था, कोई बात नहीं आगे कर दूंगे, ठीक है। अब लिख दिए साइन सी प्लस डी बाई टू इनटू ई टू, इसे ई टू ही मत काट मेरे कुत्ता सा, ध्यान देना, इनटू साइन सी, इतना ध्यान तो प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई टू। देख लो कहीं को दिक्कत भैया, यहाँ पे तो सी माने थे उसको डी माने थे, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी लिखे, थोड़ा छोटा हो गया है। देखो ध्यान से, टू ए ध्यान देना, इस बार ओमेगा टी गया, केएक्स केएक्स कितना केएक्स, टू एक्स का टू टू कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन केएक्स इनटू कॉस ओमेगा टी। तो फाइनल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टू ए साइन केएक्स इनटू कॉस ओमेगा टी। और करो अभी तक जो भी आप इक्वेशन लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये मीटिंग तीन पांच मिनट और चलेगा मीटिंग, ठीक है, ये आज का टॉपिक ही ऐसा अजीब अजीब है, अगर आपको क्षमता है तो समझिए मीटिंग छोड़कर भागने का कार्य पर न करें, क्योंकि आप यहाँ ऑफलाइन मोड में है नहीं, तो यहाँ से तो भाग नहीं सकता है, धारेंगे यहीं से सीधे, लेकिन तुम लोग तो जब चाहो तब लीव कर दोगे। चालाक सर 28 से 23 हो गए गाली वाली में, देखो अच्छी बात नहीं है, एक शिक्षक को गाली शोभा छिछुंदा तो ना, देखो गाली शोभा खाली आओ मार्केट में। y is equal to 2a sin kx cos omega t,
तो जैसे ये वाला अभी आप लिखते थे ए साइन समथिंग ए साइन, ये टी वाला मेन फंक्शन, तो ये वाला हिस्सा एम्पलीट्यूड की जगह आ गया, लेकिन इस बार एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, साइन के एक्स का। सुनो बताते हैं, ये पूरा वाला हिस्सा इस बार किसके जगह पे आ गया, एम्पलीट्यूड के जगह पे, ये अलग से कॉस का फंक्शन, इसको साइन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये वाला जो टर्म आया ये किसके स्थान पे आ रहा है, और इस बार एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन के एक्स पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इसको जल्दी से लिखिए, समय कम है हमारे पास। डेफिनेशन पहले, पर डेफिनेशन, when two waves having same amplitude, when two waves having same amplitude, when two waves, आप हैंड वॉश कर सकते हो, आप सैनिटाइजर है वही है, एलिमेंट वाला दबा ज्यादा आ गया। when two waves having same amplitude but moving in opposite direction, when two waves having same amplitude but moving in opposite direction, when two waves having same amplitude but moving in opposite direction, superposed over each other, superposed over each other, superposed over each other, comma, standing waves are formed. या स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड, एक ही वेव की बात करें, सुपरपोज्ड ओवर ईच अदर कॉमा स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये वाला आप फोटो खींच के भेज रहे, जल्दी इसको लिखिए। थोड़ा अजीब है, पहले ही बोले आपको समझ में आया, ये बैच हमको झूठ बोल रहा है या तो सही में समझदार है, ऐसे आया पूरा इक्वेशन। हम लोग टाइम वेरिएबल को, एंगल का टाइम वेरिएबल जो है ना वो हम मानते हैं अलग वैल्यू वेरिएबल, और ये वाला एम्पलीट्यूड का पहले हिस्सा है ना, ये एम्पलीट्यूड का हिस्सा मान लिए, तो एंगल का हिस्सा मान लिए, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारती है, अब हम देखते हैं आपको समझ में अगर आया है तो हम और कुछ बोलते हैं इसमें, कोई बात नहीं, बात लोड नहीं लेना, कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में क्या प्रॉब्लम आया। हम फोटो भेजे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब उसको फोटो से जितना फास्ट हो लिख सके तो लिख ले, क्योंकि हमको मात्र 7 मिनट बच रहा है 40 मिनट होने, कुछ बताना है हमको जी। अगले क्लास से आपका साउंड में भी चालू हो जाएगा, 2 क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर छुट्टी जाता है, एंजॉय कीजिए 2-3 क्लास। हाँ कैंटी तो वैसे पढ़ाना पड़ेगा हमको, मतलब एकदम सत्य से पढ़ाना, रिवीजन एंड डाउट्स, ओ हो हो, सवा चार कर देंगे और क्या कर देंगे, तुम लोग कौन सा पारा बिजी इंसान हो रहे, तो 15 मिनट बैठिए क्या, 2 क्लास के बीच में था हिस्सा बनता के बाद, अब आनी है जैसे कि, तो वही तो बीच का ब्रेक देखते हैं। चलिए जान दीजिए, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखिएगा, टू बी कंटिन्यूड, ये इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसके आगे आपको हम समझाएंगे अगले दिन, और उसके बाद आपको फिर हम नया टॉपिक साउंड वेव शुरू करेंगे, आज इतना ही रखिए आप। मनी भी आ गए, तो पूछिएगा नाम से क्यों बोल रहे हैं।